जहां एक ओर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देश के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना से बचाव के लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में नवस्थापित ऑक्सीजन प्लांट का सांसद रवि किशन के द्वारा उद्घाटन किया गया। उसके बाद आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रेलवे में ये जो 2019 में हमने एक पत्र लिखा था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वो आज वो पारित होके आज वो लग गया, प्लांट चल गया। गोरखपुर के रेलवे के अस्पताल में 500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। उससे जो अभी भगवान न करे थर्ड वेव आए, पर अगर थर्ड वेव आई तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह से सेल्फ सफिशियंट रहेंगे, हमें कहीं और से ऑक्सीजन अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम यहाँ पर और अच्छी सुविधाएँ मरीजों को प्रदान कर पाएंगे। दरअसल गोरखपुर के ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सांसद रवि किशन के नेतृत्व में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। सांसद रवि किशन का कहना है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन से मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस दौरान रेलवे के GM विनय कुमार त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे और महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आती है तो इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।